ओके कम टू द पॉइंट। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन किए थे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और क्या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, तो दोनों वर्ड क्या है सेम ही है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्या अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अकाउंट नहीं अकाउंटिंग, तो भी आप वही आंसर लिखोगे अगर आपको ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बोल दे तो। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ क्या अकाउंटिंग। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लास्ट में रखो, ये बढ़िया होगा। तो फर्स्ट को हम लोग न्यूमोट लिखेंगे, लिखो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखेंगे इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। द मेन पर्पस और ऑब्जेक्ट, सर फिर से बोलिए तो, इट इज द, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, द मेन पर्पस और ऑब्जेक्ट, हाँ और ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य इसका। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव सर, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लिखो तो बेटर रहेगा क्या। द मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस इज टू फाइंड आउट द रिजल्ट, इज टू फाइंड आउट द रिजल्ट, ब्रैकेट में लिखना दैट इज प्रॉफिट और लॉस, रिजल्ट दैट इज प्रॉफिट और लॉस, ब्रैकेट क्लोज कर देना, रिजल्ट एंड पोजिशन, एंड पोजिशन, एंड पोजिशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, हाँ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एक बार पढ़ के देखिए तो समझ में आया। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, चूंकि ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है, तो जो हम अकाउंटिंग का डिफिनेशन दिए, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग या व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, तो बच्चे आप दोनों का डिफिनेशन सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इट इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग। क्यों भाई इतना क्यों ये करता है, तो टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इतना इसलिए करता है क्योंकि इसको फाइनल अकाउंट बनाना है, इसको बिजनेस का रिजल्ट जानना है, इससे बिजनेस का क्या पोजिशन जानना है। तो एक सेंटेंस यह कह रहा है कि इट इज मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन, समझ में आया ये सेंटेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग। सर ये मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। यस यस, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा ये। ठीक है, समझ में आया ये सेंटेंस कि इट इज मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बता दिया, थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे बोर्ड पर भी, क्योंकि ये वर्ड आपको बार बार आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, हमेशा याद रखना। इधर लिखिए ना, हम लोग भी देखेंगे, इधर लिखिए सर। फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर होता है वो क्लोजिंग डेट में ही होता है,
अब क्लोजिंग डेट में होगा तो फिर तो अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट आपको कहता है जो एक पीरियड फॉलो करना है, से मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा या ईयरली होगा, लेकिन वो ईयर से एक साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या देखो क्या होता है, ऐसे करके फिनेंशियल फिनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट। ना इसको हम फाइनल अकाउंट, ये चैप्टर ही पढ़ना है हम लोगों को फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट नोट कर लेना सही बच्चे इसको, फर्स्ट होता है इनकम स्टेटमेंट, सेकेंड होता है पोजिशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, कमी एक ट्रेडिंग अकाउंट जो कि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करता है, क्या करता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, एक ग्रॉस प्रॉफिट दूसरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किससे होता है, टू नो द जीपी, जीपी का मतलब नहीं दिख रहा है सर, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। देखो टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे में बच्चे लिख देना इसको, हल्का सा एक और कर दीजिए सर, हल्का सा। हाँ बच्चे देखो क्या हो गया ट्रेडिंग अकाउंट और ये क्या हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद भी होता है लेकिन हमको अभी इनिशियल स्टेज में यही समझो, इसके बाद क्लियर एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होता है तो उसको हम अभी नहीं बताएंगे, अभी नॉर्मल स्टेज में ये समझो। क्या लिखे हैं सर, PIL सर, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नीचे लिखे हैं। पीएल अकाउंट का मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे फाइंड आउट होता है टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और पोजिशन स्टेटमेंट का जो है टैप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। और इसका मतलब क्या होता है, टू नो द एसेट्स लायबिलिटीज फंड कैपिटल etc। ये बेसिक चीज थोड़ा याद रखना, इसी को प्रिपेयर करने के लिए जो भी अकाउंटिंग हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, मेन मकसद यही है, ऑब्जेक्टिव उसका वही है। हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों उसको बनाना चाहते हैं, तो बिजनेस का मकसद है कि जो भी वो काम करता है उस काम करने से उसको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ। सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नीचे ही दिखे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मकसद है, तो थोड़ा सा साइड है, कैपिटल के बाद क्या लिखा है जस्ट पीछे आपके, ये देखो फिर से एक बार समझ लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये किसके क्षेत्र में आता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्षेत्र में अंडर में आता है ये। इसका बनाने का मकसद क्या है, क्या टास्क है, क्या पर्पसेस है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाना और क्या पोजीशन स्टेटमेंट बनाना। इनकम स्टेटमेंट बनाता है प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए और पोजीशन स्टेटमेंट बनाता है एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल फंड को जानने के लिए, दैट्स ऑल। इसमें कुछ ये चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है, इसका डिटेल डिस्कशन हम चैप्टर में करेंगे। अभी नॉर्मली चूंकि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए ना, बता दिए ना, it is mainly concerned with the reporting profit summarizing and financial transaction to prepare the financial statement with a view to prepare financial statement।
तो आप पूछोगे ना आप जो फिनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या हुआ, तो उसका यहाँ पर ये आंसर था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू नो द रिजल्ट एज वेल एज क्या पोजिशन। तो रिजल्ट मतलब दो प्रकार का रिजल्ट होता है, एक ग्रॉस रिजल्ट दूसरा नेट रिजल्ट। ग्रॉस रिजल्ट ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारिक खाता, और नेट रिजल्ट जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है, पीएल अकाउंट से। तो पीएल अकाउंट हो सकता है कभी बिजनेस का खर्च भी ज्यादा हो जाए और आमदनी क्या हो जाए, तो वो तो लॉस भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों वर्ड लिखे, नेट प्रॉफिट और क्या नेट लॉस, एक्सेस ऑफ नॉर्मल में समझ लो, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसमें शो किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक्सेस ऑफ इनडायरेक्ट इनकम ओवर क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर आपको इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया कम हो गया, तो यही तो डिफरेंस आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही ज्यादा हो गया और इनडायरेक्ट इनकम क्या हुआ कम हुआ, इट इज कॉल्ड क्या नेट लॉस। ठीक है, आगे लिखिए। ये तो यहां तक समझ में आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। यस सर, आ जाइए आगे आ जाइए। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्लीज रिपीट सर। एसेट्स लायबिलिटी, लायबिलिटी का शॉर्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सेकंड पॉइंट में लिखेंगे बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग is a specialized branch of accounting which involve classification, specialized branch of accounting which involve classification, accumulation classification के बाद क्या बोले सर, classification, accumulation, assignment and control of cost and control of cost। स्पेलिंग बोलिए तो किसका, assignment का सर, कंपूल क्या बोले हैं, एक्युमुलेशन, ए डबल सी यू एम ई। नो सर, सर असाइनमेंट एंड के बाद, एंड कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। सिंपल समझो, एक आपको इसमें प्रचलित आपको कहावत भी बताए थे पिछले क्लास में, कभी हम जिक्र किए होंगे कि बचत हमारी लागत है, बताए थे ना, कि जिसको कभी भी सिंपल वर्ड में समझ लो निर्वाण हमारी लागत। ऐसे हमने बता दिए थे आपको कि अगर आपको प्रॉफिट करना है, आपको मतलब बिजनेस, हम अपने आप को एज्यूम किए बिजनेस, तो हमको प्रॉफिट करना है मींस हमको अपने कॉस्ट पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट कंट्रोल हो गया मींस आप अपने आप को क्या कर लिए, इंप्रूव कर लिए, अपने आप में चेंज कर लिए। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन टास्क है, जो मेन पर्पसेस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वी नो दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ये अगर कोई मैनेजमेंट, ये तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है प्राइस को क्या करना, फिक्स करना, तो जब उसको हम डेटा देंगे तब ये ना वो फिक्स करेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ये है कि अगर ये 500 पीस मार्कर बनाना है तो इस 500 पीस मार्कर पर क्या एस्टिमेटेड डेटा है, क्या वो एस्टिमेट कर रहा है, इसमें मटेरियल कितना लगेगा, इसमें लेबर कितना लगेगा, इसमें एक्सपेंसेस कितना लगेगा,
कॉस्ट का मतलब यही है कि तीनों को जोड़ दो। अब मटेरियल दो प्रकार का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखते हो ना बना हुआ है फर्नीचर, अब इसमें आपका लकड़ी भी लगा हुआ है, इसमें कील भी लगा हुआ है, लकड़ी हो गया डायरेक्ट मटेरियल, कील हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। तो समझना यह है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन्स मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, जब इस तीनों को ऐड कर देते हैं तो वही क्या होता है कॉस्ट, और उस कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है क्या सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का जो सबसे मेन टास्क है वो है इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट की लागत कितनी होगी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम है। ठीक है, एक लाइन और लिखो उसमें, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द मेन पर्पस of cost accounting the main purpose of cost accounting is to the main purpose of cost accounting is to ascertain ASCERTAIN, यानी इसको इसका दूसरे लैंग्वेज बता दिए थे सर, फिर से बोलिए तो, या इसको हम कैलकुलेशन भी या कैलकुलेट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ascertain the cost of production to enable the management fix, to enable the management fix, management fix, FIX, fix the price of the product, pura sentence pehle pura kar lijiye, management fix the price of the product and to ensure cost reduction मतलब कमी करना, and ensure cost reduction। बच्चे आप लोग रिपीट, हम अपने खुद दो तीन बार कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार उसको पढ़ोगे, एक बार आप सही बच्चे उसको रीड करो तो देखो तो आया समझ में। क्योंकि एक वर्ड हम यहां पर देखो, यहां पर लिख रहे हैं क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या सेलिंग प्राइस। ये आपको जर्नल एंट्री में भी काम आएगा। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है क्या करना, प्राइस को फिक्स करना। और ऐसा नहीं है कि मार्कर तो हम भी बना रहे हैं, मार्कर कोई और भी बना रहा है। ठीक है, तो वो एनालिसिस करते हैं कि इसका कितना प्राइस रखा जाए ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के क्या होता है उसके, ये मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के बस में क्या होता है, कंपनी उसका प्राइस इतना फिक्स कर देता है कि प्रोडक्ट देख करके कस्टमर क्या होता है भाग, ठीक है, चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। चलिए फट लिखिए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यस सर, बोर्ड पे क्या लिखे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। के बाद कुछ नहीं है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। यही आपको फाइंड आउट का, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है, इसको फाइंड आउट करना, कॉस्ट को फाइंड आउट करना। जब तक कॉस्ट नहीं होगा बच्चे, ये प्रॉफिट एस्टिमेटेड होता है। प्रॉफिट क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, तो मेन काम क्या है, इस प्रॉफिट को है ना, ये तो मन का होता है, मान लो 20% हम लेंगे, तो जब मुझे पता ये चल जाए कि कॉस्ट मेरा कितना हुआ 100 रुपया,
प्रॉफिट कितना लेना है? 20% कितना हो गया? 20 रुपया हो गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 27 रुपया। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल कंसर्न विथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट विच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग in formulating policies and controlling the business operation and controlling the business operation the main purpose of operation The main purpose of management accounting, the main purpose of management accounting is to provide all the relevant information relevant relevant operation information that may be required relevant information that may be required by the management to take decisions. अब एक बार बच्चे इसको पढ़ो तो नहीं अकाउंटेंसी में ए स्लैश सी और एस होता है अकाउंटेंसी में और अकाउंट जो लिखते हैं ना अकाउंट का ये शॉर्ट फॉर्म है ये अकाउंटिंग का शॉर्ट फॉर्म नहीं है जितना भी आगे लिखते हैं ना वो आप इसे रेंट अकाउंटिंग नहीं होता है रेंट अकाउंट होता है अकाउंटिंग का शॉर्ट फॉर्म नहीं वो अकाउंटिंग का शॉर्ट फॉर्म नहीं आता है आप बोलो होता क्या सुनो अब आपका क्वेश्चन का जवाब देते हैं कोई भी बेसिक चीज जब कोई आप बनाओगे ना पार्टिकुलर हेड को मेंटेन करते हो सैलरी अकाउंट वेजेस अकाउंट क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस एसेट्स लायबिलिटी इतना ही अकाउंट को आप मेंटेन करते हो एसेट्स अकाउंटिंग नहीं होता है एसेट्स क्या होता है अकाउंट होता है एसेट्स मतलब संपत्ति का खाता ये होता है लैंग्वेज ठीक है तो इसीलिए आपको अकाउंटिंग का शॉर्ट फॉर्म देने का कोई जरूरी नहीं है हाँ अकाउंटेंसी चूंकि वो फादर अकाउंटेंसी एक लाइन उसको भी लिखना पड़ा आपको नोट्स बना है ठीक है अकाउंटेंसी जो है वो फादर है अकाउंटिंग मदर है और अकाउंट चिल्ड्रेन है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्योंकि रूल बनाने का काम रूल फॉलो बनाने का काम कौन करता है अकाउंटेंसी जितना भी रूल रेगुलेशन है ठीक है लेकिन अकाउंटिंग उसको फॉलो करता है और जिसके ऊपर में फॉलो करता है वो क्या होता है अकाउंट होता है ठीक है तो ये चीज हम लोग को थोड़ा अकाउंटेंसी का फुल फॉर्म है अकाउंट का फुल फॉर्म है लेकिन अकाउंटिंग का फुल फॉर्म तो मैनेजमेंट अब आते हैं कम टू द पॉइंट्स क्या बताए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या ये समझ में आया तो दिक्कत नहीं है चलिए अब लिखिए फीचर ऑफ अकाउंटिंग
फीचर में तो डिफिनेशन जो बता रहे थे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग लिखो तो फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्या अकाउंटिंग फर्स्ट पॉइंट लिखना यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्या अकाउंटिंग फर्स्ट पॉइंट लिखोगे यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब समझ में आया कि अकाउंटिंग का काम कोई ना कोई चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो ऑल ओवर वर्ल्ड में देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या ऑर्गेनाइजेशन तीसरा नहीं है या तो ट्रेडिंग या तो नॉन ट्रेडिंग जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है वो आता है ट्रेडिंग के कैटेगरी में और जिसका मकसद प्रॉफिट नहीं कमाना है सर्विस प्रोवाइड करना है ठीक है वो आता है नॉन ट्रेडिंग में और फर्स्ट क्लास में इसका आपको एग्जांपल भी बताए थे ना एनजीओ के बारे में ठीक है तो अकाउंटिंग का अकाउंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको कोई ना कोई चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग हो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है यूज कर सकता है ठीक है सेकेंड पॉइंट लिखिए रिकॉर्डिंग ऑफ सेकेंड पॉइंट में रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट अब देखिए यहां पर एक पॉइंट आया कि इकोनॉमिक इवेंट क्या हुआ सर जो भी पैसा का लेन देन हो ना वो इकोनॉमिक मनी से रिलेटेड हाँ आपको बताए थे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन तो जिस किसी भी ट्रांजेक्शन को आप मनी में एक्सप्रेस्ड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग क्या करता है फॉलो करता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के ऊपर में ये कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसका जो सेकेंड विशेषता है सेकेंड जो फीचर है ये कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने बुक्स में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जितने भी मनी ट्रांजेक्शन है जितने भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है लेकिन वो मनी से होना चाहिए देखो एक कंपनी है अब उसमें मैनेजर का हेल्थ क्या हो गया स्वास्थ्य खराब हो गया वो नहीं आया काम पर क्या बिजनेस क्या कंपनी उस ट्रांजेक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेगा नहीं रिकॉर्ड करेगा क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बिजनेस के बुक्स को जो इफेक्ट करता है प्रभावित करता है वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो इसकी सेकंड जो फीचर है वो क्या है इकोनॉमिक इवेंट रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट उसके बाद अच्छा इवेंट का मतलब एक चीज और समझ लो यहाँ पर कि अगर मान लो ये 5 रुपये का मार्कर है और इसको हम 7 रुपये में बेच दिए सिंपल 5 रुपये का है 7 रुपये में बेच दिए तो 2 रुपये क्या हुआ प्रॉफिट ये इवेंट हुआ क्या हुआ लॉस हुआ तो भी इवेंट हुआ ठीक है एक्सप्रेस किए ना फाइनल तक गए ना कि 5 रुपये का मार्कर है 7 रुपये में बेचे अब 3 पॉइंट इसमें आ गया जो 7 रुपया आया इट इज कॉल्ड रेवेन्यू ठीक है 2 रुपया जो आया वो प्रॉफिट हो गया और जो 5 रुपया बनाने में लगा कॉस्ट हो गया ठीक है इट इज कॉल्ड इवेंट आगे लिखिए रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन डेटा को आप जानते होंगे कम्युनिकेट करना क्या करना रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ उसी डेटा को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि यूजर के पास में बताए थे इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर ठीक है तो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना डेटा को किसके पास में उन व्यक्तियों के पास में जिनको की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है अब उसमें चाहे तो इम्प्लॉय हो सकता है चाहे तो रिसर्चर हो सकता है चाहे तो गवर्नमेंट हो सकता है चाहे तो बैंक हो सकता है चाहे तो क्रेडिटर हो सकता है चाहे तो ओनर हो सकता है चाहे तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है
ओनर और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसको हम लोग इंटरनल कैटेगरी में रखते हैं और बाकी जितना बताएं वो सब क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है, तो डेटा को क्या करना, कम्युनिकेट करना, कहां उस जो वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर ऑफ क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो उसको यूज करने वाला है। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि रिकॉर्डिंग एंड क्या कम्युनिकेशन। फोर्थ में लिखिए, ये तो आई गया फोर्थ में, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फोर्थ में यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यही इसका फीचर है बच्चे। क्या बोले सर फोर्थ का? फोर्थ का वो है आपका यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और एक सेंटेंस हम चाहेंगे थोड़ा, हो सकता है दो नंबर में या एक नंबर में भी पूछ सकता है ये, नहीं भी तो भाई समझने के लिए मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी थोड़ा छोटा सा ये है, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। हम भी कहीं इंटरव्यू में गए थे तो हमसे ये पूछा गया था क्वेश्चन इंटरव्यू में, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी, बता दिया था सर। हाँ बताए थे अकाउंटेंसी रेफर्स टू इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी BODY रेफर टू इंटायर ENTIRE बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो छोटा सा डिफिनेशन है, एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल। यानी अकाउंटिंग में जो भी काम हम करते हैं वो सबका सब जिसके द्वारा बनाया जाता है, जैसे सो पैराग्राफ चेंज करके लिखे तो सो इट इज सोल ऑफ, सोल मतलब आत्मा, सो इट इज सोल ऑफ इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम, इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम। अब कैसे ये आत्मा है, तो इट एक्सप्लेन, हाँ लिखिए लिखिए, इट एक्सप्लेन उसी में, छोटा सा ऊपर वाला है सिर्फ, एक ना एक लाइन में एक सेंटेंस से पूछे, हम ही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे, तो आपको सिर्फ ऊपर वाला लिखना है। अगर ये दो नंबर तीन नंबर में जीत चला जाए तो आपको इसको एक्सप्लेन करके ये लिखना है। ठीक है, इट एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउ टू समराइजेस, हाउ टू समराइजेस द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। इट एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉमा करके हाउ टू समराइजेस द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द, and how to communicate it to the various user groups, various user groups। देखो तो ये समझ में आया कि प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, डेटा को कैसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, इन सभी के लिए जो भी टेक्निक और प्रिंसिपल, याद सुनना ये लास्ट सेंटेंस है, ये जो टेक्निक और प्रिंसिपल देता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। एक बार पढ़ लो सर, वेरियस यूजर ग्रुप्स के बाद भी कुछ बोले क्या? वो
उसमें है एक लाइन और था लेकिन अब ज्यादा हो गया. इट इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक. लिखोगे तो लिख सकते हो, ऐसे समझने के लिए बता दिया प्रिंसिपल और क्या टेक्निक. इट इज कंसर्न विथ, लिखो लिखो लिखो, इट इज कंसर्न विथ द, इट इज कंसर्न विथ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक दैट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग, that are used in accounting. अब एक बार पढ़ के देखो सब बच्चे. बात एक नहीं करो. Thank you.